दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 600 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालेगी वायुसेना। आज रोमानिया जाएगा C-17 ग्लोब मास्टर। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक टूटा और निफ्टी भी 16,000 के नीचे पाया गया। यूक्रेन में जंग के बीच एप्पल ने रूस में रोकी सेल, ऐप स्टोर से हटाए एप्स, बंद की गई सेवाएं। यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कच्चे तेल की कीमत $160 प्रति बैरल तक पहुंची, जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। सैनिक स्कूल में 6वीं से 9वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट किए गए आज जारी। आने वाले रविवार से बिग बाजार के कई स्टोर होंगे बंद, 30,000 से भी अधिक कर्मचारियों को मिलेगी रिलायंस में नौकरी। द कपिल शर्मा शो में सजेगी भोजपुरी सितारों की महफिल। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के युवा शूटर सौरभ चौधरी ने भारत की झोली में डाला पहला गोल्ड मेडल।